बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के रिटर्न को टीज करके सेथ ने खुद के ऊपर खतरा मोल लिया। रसलमेनिया में इस मैच के बाद छीन जाएगी उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ खास हुआ है, सेथ रॉलिंस ने ये क्या टीज कर दिया। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ में हमें सेथ का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। तो गाइस, सेथ क्राउड से कह रहे होते हैं कि अगर तुम टायर्ड हो चुके हो सिंस के नाकामुरा से मेरी तरह, तो फिर तुम मेरा सॉन्ग गाओ। अगर तुम टाइटल डिफेंड होते हुए देखना चाहते हो तो मेरा जो थीम सॉन्ग है उसको गाओ। अब वो नाकामुरा को कॉल आउट करते हुए कहते हैं कि सिंस के यदि तू मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर मैं तुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देने वाला हूँ। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू। नाउ फाइनली टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे हमें सिंस के नाकामुरा अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। रॉलिंस के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो डिमांड करते हैं एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच एट फास्ट लेन। देन आफ्टर डेट हमें क्या देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस खुद के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि नाकामुरा को ये मैच मिला जो वो चाहता है, लेकिन उसने गलती कर दी। My broken back isn't a weakness, it's a strength. मेरी टूटी कमर मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। सिंस के नाकामुरा बिल्कुल सही है, फास्ट लेन में एक ही उस मैच से बाहर आएगा और वो होऊंगा मैं, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एंड में सेथ ये क्या कहते हैं, My 100% make me the best in the world. मेरा 100% मुझे द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाएगा। अब देखो गाइस, सेथ ने यहाँ डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ही सीएम पंक के रिटर्न को टीज किया है। रेसलिंग वर्ल्ड में बेस्ट इन द वर्ल्ड से सिर्फ एक ही सुपरस्टार को मेंशन किया जाता है और वो है सीएम पंक। आज ऐसा सिर्फ सेथ रॉलिंस ने ही नहीं किया है, कोडी रोड्स ने भी लास्ट वीक कुछ ऐसा ही कहा था। ये आप लोग खुद देख सकते हो, यूज तो उन्होंने बेस्ट इन द वर्ल्ड जेउसो के लिए किया था लेकिन उनका भी मतलब सीएम पंक से ही था। He deserves a second chance, कोडी ने कुछ इस सेंटेंस का भी यूज किया था। सीएम पंक दूसरा मौका डिजर्व करते हैं। AEW से फायर्ड होने के बाद पहली बार सीएम पंक को देखा गया कमेंट्री करते हुए, जहां सीएम पंक ने खुद ये कहा, ही इज फ्री फॉर ओनली द नेक्स्ट 2 months, वो सिर्फ आने वाले 2 महीने के लिए फ्री है। 2 महीने के बाद गाइस क्या है, WWE का इस साल का आखिरी और सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट सर्वाइवर सीरीज, जो कि सीएम पंक के होम टाउन शिकागो से है। ये गाइस WWE में उनके आने का टीज नहीं है तो और क्या है। लेकिन अगर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में नहीं आते हैं तो रॉयल रंबल में उनका रिटर्न कंफर्म है। He is in top 5 most likely 2024 WWE Men's Royal Rumble winner. वो टॉप 5 में है 2022 के मेंस रॉयल रंबल को जीतने के लिस्ट में। बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल का विनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को ही रसलमेनिया में चैलेंज करेगा। गाइस, अगर सीएम पंक का रिटर्न रॉयल रंबल में होता है तो उनके जीतने के सबसे ज्यादा चांस होंगे। एंड अगर सेथ तब तक चैंपियन होते हैं तो रसलमेनिया के फर्स्ट नाइट का ये मेन इवेंट मैच होगा, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। और बहुत ज्यादा चांस है कि सीएम पंक सेथ को हरा के उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को ले लेंगे, क्योंकि यार सेथ ने अभी तक अपने टाइटल रेन में क्या किया है, कुछ नहीं। सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के बेस्ट चैंपियन होंगे, एक रेटिंग ड्रॉ करने वाले चैंपियन। अगर आप लोग चाहो तो सीएम पंक की पूरी स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पे आ रहे वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।